हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, यहां मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्लास लेकर आया हूं, एल्जेब्रा की क्लास लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास है, और जो रेलवे मैथ की मैं तैयारी करा रहा हूं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है। शाम को 8 बजे क्लास आती है, डेली इस क्लास के साथ जुड़िए और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का आप उठाकर चलिए। तो स्टूडेंट, यहां पर एल्जेब्रा में आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इस बार भी ग्रुप डी एएलपी एग्जाम में बिल्कुल इन सवालों के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टॉपिक है हमारा एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा जिसको बोलते हैं हिंदी में बीज गणित, ठीक है, बीज गणित। तो ये पक्का तय है कि 2 से 3-4 सवाल तक आपसे पूछे जा सकते हैं अलजेब्रा से, ठीक है। तो क्या सवाल है पहला? पहला सवाल ये है कि x^4 + 1/x^4 = 119। तो हमसे पूछा गया कि x³ + 1/x³ का मान यहां पर क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर आपको यहां पर निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। करना क्या होगा आपको इस सवाल में, देखिए x^4 + 1/x^4 119 आपको दे रखा है, आपको चाहिए x^3 + 1/x^3, ठीक। अब ये देखिए, सारा जो सवाल डिपेंड करता है वो इस नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस नंबर से सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि अगर 119 क्या है, क्या किसी संख्या के स्क्वायर के बराबर में है 119? जी हां, अगर मैं यहां पर 2+ कर दूं स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 121 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 121 बन जाएगा। और 121 बनते ही ये क्या बन जाएगा, x² + 1/x² = 11 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्टूडेंट x² + 1/x² का, क्योंकि 2 जब यहां जोड़ोगे तो 2 यहां भी तो जोड़ना है ना आपको, 2 अगर यहां राइट साइड में जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में भी तो 2 जुड़ेगा, तो बन जाएगा x + 1/x² = 11 का स्क्वायर। तो क्या बना, ये x² + 1/x² = 11 हो जाएगा, क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब x² + 1/x² = 11, ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमसे पूछा क्या गया। अब यहां पर हम 2 सवाल निकालेंगे, ठीक है। एक निकालेंगे x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, एक ही सवाल से 2 सवाल निकालेंगे, ठीक है। अब प्लस वाला चाहिए तो x - 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, फिर x + 1/x की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर आप +2 करते हो तो ये 13 बनेगा, यहां भी +2 करोगे तो ये बन जाएगा x + 1/x² यानी कि 13, ठीक है। अगर यहां पर आप +2 करते हो, देखिए समझिए, यहां पर +2 यहां, तो ये 13 बन गया, ये x + 1/x² = 13। तो x + 1/x की जरूरत कब पड़ेगी, अगर आपको x³ का मान निकालना है, और -2 करेंगे तो बन जाएगा 9, जो कि बनेगा 3 का स्क्वायर, वो कब जरूरत पड़ेगी, अगर आप x³ - 1/x³ का मान निकालते हैं। तो हम दोनों ही निकालने वाले हैं, तो एक तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया कि x + 1/x तो बराबर आ गया हमारे पास 13 का रूट, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, डेफिनेटली आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया 13, रूट 13, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला मान चाहिए x³ + 1/x³, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + 3 × x × 1/x + 1/x, और ये हो जाएगा √13 का पावर 3, √13 की पावर 3 हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x³ + 1/x³, और ये हो गया 3 × x + 1/x, कितना है x + 1/x स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास √13, दे तो रखा है, और √13 की पावर 3 कितने हो जाएगी, 13√3। तो ये 3√3 और ये 13√3 प्लस में है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर कितना बन जाएगा, 10√13,
ये 13 है, ये भी 13, ठीक है। तो 10√13 यहां पर हमारा आंसर रहेगा अगर हमसे पूछा जाता कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, क्या होगा, 10√13 यहां पर हमें सही आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई ना बात। इसके विपरीत अगर हमसे x³ - 1/x³ पूछता है तो यहां पर हमें चाहिए क्या चाहिए, यहां पर -2 करना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा कि x² ये यहां तक आ गया था ना, यहां तक x² + 1/x², ठीक है, और -2 करेंगे और 11 - 2 करेंगे, ठीक है, -2 बोथ साइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा x - 1/x² = 9। 9 का मतलब 3^2, तो x - 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा स्टूडेंट 3। x - 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करके निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा x³ - 1/x³ - 3 × x × 1/x, x - 1/x, और 3^3 कितनी हो जाएगी 27। x से x कैंसिल हो जाएगा, x³ - 1/x³ - 3, x - 1/x कितना है 3, 3 × 9, ठीक है, बराबर 27। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 9 माइनस का 9 है, माइनस का होगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 27 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 36। तो माइनस वाला है तो आंसर आ जाएगा आपका यहां पर 36, और ये प्लस वाला है तो इसका आंसर आ जाएगा 10√13, ठीक है। ये दो सवाल हमने किए एक अकेले सवाल से, ये सवाल तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखकर चले, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को आपको यहां पर समझ के चलना है, क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो एक दो बार, तीन बार, चार बार जब तक समझ में ना आए, इस क्लास को बार बार देखना, तब पूरी तरह से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सवाल है कि 2p / p² - 2p + 1 = कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, और यहां पर बताना है हमें क्या बताना है, फाइंड आउट क्या करना है कि p + 1/p का मान क्या होगा, p + 1/p का मान क्या होगा, ये हमें यहां पर बताकर चलना है। क्या करना है स्टूडेंट, अब देखिए समझिए, p + 1/p का मान चाहिए और हमें क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, और ये कंडीशन और दे रखी है कि p ≠ 0, p जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आंसर तो 0 आने से रहा इसका, ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, समझिए। अब 2p दे रखा है तो एक काम कीजिए, नीचे से p कॉमन ले लीजिए, p बचेगा -2 + 1/p बराबर 1/4, ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका p + 1/p - 2 = 4 × 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, p + 1/p - 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, p + 1/p कितना आ जाएगा 8 × 2 = 10, कितना आ जाएगा 10 स्टूडेंट, यहां पर हमारा आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, p + 1/p कितना हो जाएगा हमारे पास 10, यहां पर सही आंसर हमें मिल जाएगा, 10 इसका सही उत्तर रहेगा, क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल है कि x + 1/4x = 3/2 दे रखा है, ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 8x³ + 1/8x³ इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका क्या मान होगा, ये हमें यहां पर बताकर चलना है। अब देखिए समझिए, यहां पर एक चीज क्या समझना है, समझिए क्या समझेंगे, देखिए अगर क्यूब कर ले
तो ये तो 64 बन जाएगा, यहां पर कोई भी कुछ नहीं बन पाएगा, जबकि हमें बनाना है यहां पर 8 बनाना है, 8 बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह आप 2 से गुणा कर दीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह 2 से गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2x प्लस 2 की गुणा यहां करेंगे तो 2/4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, और 2 की गुणा जब यहां भी 2 की गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात मेरी, समझ में आ रही है ना, 2x प्लस 1/2x बराबर 3। क्या करेंगे, बोथ साइड अब इसका क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ का घन करने पर क्यूब कर देंगे, क्यूब कर दीजिए क्या होगा, 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस 3 × 2x × 1/2x, 2x प्लस 1/2x बराबर 3 की पावर 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस 6 × 3 = 6, और कितना हो गया, 2x प्लस 1/2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, और 18 को ये तो कैंसिल हो गया, ये 3 ही तो रहेगा, ये तो 3 रहेगा, ये वाला 3 रहेगा ना, 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, 3 हो गया, और ये कितना है, 2x प्लस 1/2x, ये 3 रहेगा, तो 3 × 3 रहेगा, ठीक है, 3 × 3 रहेगा, तो ये रहेगा 9, ठीक है, 9 27 में से आप माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपके सामने 18, आपको 18 यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8x³ प्लस 1/8x³ कितना आएगा, 18 आएगा, समझ में आ गई ना आपको बात। तो ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, और एक और सवाल क्या है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या सवाल है कि x माइनस 1/x आपको 5 दे रखा है, x माइनस 1/x आपको 5 दे रखा है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, ठीक है। आसान है ये तो सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसकी कोई हद नहीं उससे ज्यादा आसान है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 × x × 1/x, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 दूसरी साइड जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, माइनस 2 और 25 कितना हो जाएगा, 27, तो x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा आपके पास, 27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे जो मैंने आज की इस क्लास में लिए हैं, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी टेक्निक्स पर हम काम करेंगे, उन सभी ट्रिक्स पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारी इन क्लासेस के साथ, मैथ की 2 क्लासेस आपके लिए हम लगातार लेकर आ रहे हैं, एक सुबह 9 बजे आपकी क्लास आती है 9 AM पर, ठीक है, और एक शाम को 8 बजे ये क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। तो दोनों ही क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, दोनों ही क्लासेस के साथ जुड़े रहें और अपने मैथमेटिक्स को इंप्रूव करते रहें। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।